हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट सेशन में आपने मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट पर बात की थी। आज के सेशन में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मोलालिटी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, मोललता जिसे कहा जाता है, मोललता स्मॉल एम से जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलालिटी है क्या आपका? जब हम किसी विलयन में बात कर रहे हैं तो विलयन में आपके दो कॉम्पोनेंट है, एक विलेय है दूसरा विलायक है, ठीक है ना। तो यदि हम कहें कि 1 किलोग्राम विलायक है और उस विलायक में कितने विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित है, तो बेसिकली वही आपका क्या होता है, मोललता होता है, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही विलयन की मोललता होगा, ठीक है। सो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, किलोग्राम में आप लोग मास लेंगे किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, देन हम लोग न्यूमेरिकल। चलिए कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ ऑफ डिसोल्यूशन थाउजेंड ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 5 kg ऑफ, क्या क्या दिया गया है, H2SO4 जो कि आपका यहाँ पर सोल्यूट होगा उसका मास आपके पास है, गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम है, ठीक है ना। सो हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, गिवन मास ऑफ H2SO4 इज 1000 ग्राम, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन का 1 1 into 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स 90 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो 1000 अपॉन 90, यही होगा मोलर मास, वही है जो मॉलिक्यूलर मास है आपका, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया है। ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, मोलालिटी निकालनी है। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट, इक्वल टू 5 kg, अब आएगा मोलालिटी, समझ रहे हो ना। देखो कुछ भी चीज अलग नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि जहां जहां पर हम मोल्स की बात कर रहे थे वहीं पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी
समझा दिया था कि नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जहां पर कितना आप H2SO4 बोला है तो कितना देना है, दिया गया है विलयन बनाने के लिए। तो आपने कहा 1000 ग्राम H2SO4 हम यूज करेंगे विलयन बनाने के लिए। अगर वो 1000 ग्राम आपको दिया गया है तो उस 1000 ग्राम में कितने मोल्स हैं H2SO4 को, ये आपको बताना है। तो कितने मोल होंगे, एक जो आपका 1 मोल का मास होता है जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं वो कितना है, वो 98.08 आता है आपका, अप्रोक्स 98 लिया है आपने, ठीक है। तो ऐसे कितने मोल है उसमें, तो 98 से आप उसको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। नाउ मोलालिटी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो क्या है इसका मतलब, ये है आपका H2SO4 के मोलों की संख्या बटे जो आपका विलायक है उसका द्रव्यमान, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, 10.20 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 5। टू पॉइंट जीरो फोर मोल पर केजी, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला मोल पर केजी होता है ना। नंबर ऑफ मोल्स आपका मोल में आएगा और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी आएगा, तो मोल पर केजी, क्लियर। चलो नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आप लोग करेंगे होमवर्क में या फिर अपने आप से करेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ वन 36 ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी निकालनी है। अब देखो आपको यूनिट्स का भी ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर वाटर है आपका वो ग्राम में दिया गया है, तो इसको आपको कन्वर्ट करेगा करने पड़ेगा तो किलोग्राम में। और अगर आप डायरेक्ट इसका यूज करते हैं तो आपको पता है फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये होता है, ठीक है ना, इन केजी। तो इसको केजी को आपका ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। तो यहाँ 25 ग्राम दिया गया है ना उस वाले क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लेंगे और इनटू 1000 कर देंगे, क्योंकि उसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो वो ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है हमारे पास मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, देखो आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने सॉल्ट और वाटर दोनों यूज किया था, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूट आपका सॉल्ट होगा और वाटर जो आपका है वो सॉल्वेंट है, समझ रहे हैं। यानी विलेय जो है वो नमक है और विलायक आपका क्या है, यहाँ पर जल है। आपने दोनों को मिला करके एक विलयन तैयार किया है और उस विलयन का लेंगे आप 1 लीटर, ठीक है। पानी और नमक को बहुत अच्छे से घोलने के बाद विलयन बन गया है, उस विलयन का 1 लीटर लेंगे और उस 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट उपस्थित है वही उसकी मोलैरिटी हो जाएगा। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या जितनी होगी वह उसका क्या होगा, आपका मोलरता होगी। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी 1 लीटर विलयन का जो आयतन आपने लिया है उसमें विलेय के जो मोलों की संख्या होगी वही विलयन की मोलरता कहलाएगा। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी कि विलयन की मोलरता एम बराबर होता है विलेय के
मोलों की संख्या बटे विलयन आयतन लीटर। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल है हमारे पास इससे रिलेटेड। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन CaCl2 सॉल्यूशन इफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 200 ml। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 कैलकुलेट करो, कैल्शियम का देन दो क्लोरीन के एटम का सबका टोटल करो। गिवन मास ऑफ CaCl2 इज 10 ग्राम। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कैलकुलेट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला 110.98 ग्राम पर मोल। ओके, कितने मोल उपस्थित होंगे। ठीक है, 200 ml, कन्वर्ट दिस इन लीटर, मिलीलीटर को लीटर में बदलो तो क्या हो जाएगा, 200/1000। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को कैपिटल वी से भी डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर। ठीक है, नाउ मोलैरिटी, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सो 0.0901 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेंगे इसे, कितना एम, जिसको एम भी बोलते हैं, और ग्राम पर लीटर, मोल्स पर लीटर, आपका क्या आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मोल पर केजी आपका क्या आया था, यूनिट आया था, मोलैलिटी के केस में, आपका क्या आएगा, मोल्स पर लीटर। ठीक, चल चल एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, मोलैरिटी
नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, इन सभी में एक रिलेशन बताता है। अगर आप किसी भी विलयन का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन में क्या रिलेशन आपको देखने को मिलता है उस पर बात होगी, ठीक है ना। वी हैव 25 ml ऑफ वी हैव 25 ml ऑफ अ 2.56 mmol सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। हमारे पास 25 ml विलयन है एक कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन का, जिसकी मोलारिटी कितनी है, 2.56 है। क्लियर, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, बट वी नीड अ बट वी नीड अ 1.28 एम सोल्यूशन, बट वी नीड अ 1.28 molar सोल्यूशन तो हाउ मैनी ml, हाउ मैनी ml ऑफ दी 1.28 m सॉल्यूशन वी कैन प्रिपेयर। But can we prepare? ठीक है, क्या समझ रहे हैं? आपके पास 25 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी थी 2.56 m। हमें इसे 2.56 से 1.28 का मोलार का सोल्यूशन बनाना है। तो कितना आयतन हमें इसका लगेगा, कितना ml हमें इसको बनाना पड़ेगा, ओके, ये आपको बताना है। चलिए, तो बेसिकली डाइल्यूशन की बात आप लोग कर रहे हो, है ना। हमारे पास इनिशियल मोलारिटी m1 है 2.56, इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास v1 इज इक्वल टू 25 ml, ठीक है। फाइनल मोलैरिटी m2 हमारे पास है 1.28, और हमको निकालना क्या है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है v2, ठीक है। वी नो दैट इनमें एक फॉर्मूला होता है, डाइल्यूशन का फॉर्मूला भी जिसे आप कहते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप v2 इज इक्वल टू देखते हैं तो m1 v1 बाय m2 हो जाएगा ना। v2 इज इक्वल टू m1 v1 बाय m2, ये हो जाएगा। बोलो, अब कर लो, 2.56 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1.28, v2 इज इक्वल टू अप्रोक्स 50 ml, ठीक है ना। तो 50 ml आपको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, हेंस दी वॉल्यूम ऑफ दी न्यू ठीक है। चलिए, अब आने वाले सेशन में क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल प्रभाज आपका कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलिए, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।